ये जितना कुछ हम देखते हैं ये जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं सुनते हैं इसका अनुभव हमें यूं ही नहीं हो रहा थोड़ा गौर करेंगे तो आपको भी दिखेगा कुछ भी आपको व्यर्थ ही नहीं दिख रहा अकारण ही नहीं अनुभव हो रहा कोई भी ध्वनि कोई भी स्पर्श कोई भी विचार आप तक निष्प्रयोजन ही नहीं पहुंच रहा हम अपने सब अनुभवों में कुछ खोज रहे हैं वास्तव में ये कहना भी ठीक नहीं है कि हम अनुभवों में कुछ खोज रहे हैं चूंकि हम खोज रहे हैं इसलिए हम अनुभव ले रहे हैं बात समझिएगा है। चूंकि हम खोज रहे हैं इसलिए हम अनुभव ले रहे हैं सब अनुभव किसके होते हैं अनुभवों के लिए क्या चाहिए विषयता जो हम हैं। और क्या चाहिए अनुभवों के लिए विषय चूंकि हम खोज रहे हैं इसीलिए एक विषय से दूसरे विषय तक भटकते रहते हैं खोजना है तो कहाँ खोजोगे किसी विषय में ही खोजोगे ना मुझे कुछ खोजना है तो कहाँ खोजूंगा तो उस कमरे में खोजूंगा उस कमरे में खोजूंगा अपनी जेब में खोजूंगा किसी और से जाके कुछ पूछूंगा छत पे खोजूंगा नीचे खोजूंगा यही सब तो करूंगा। तो खोजने के लिए क्या चाहिए विषय और जिस भी विषय के पास जाओगे वो विषय तुम्हारा क्या बन जाता है अनुभव ठीक है ना जेब में हाथ डाला कुछ अनुभव होगा छत पर जाओगे कुछ अनुभव होगा एक कमरे में जाओगे कुछ अलग अनुभव होगा ये सब होता है ना चूंकि हम खोज रहे समझिएगा चूंके हम खोज रहे हैं इसलिए हम हमें अनुभव हो रहे हैं तो सब अनुभवों के आधार में खोज बैठी हुई है और सारे अनुभव कहां पर है इस जगत में माने जगत के आधार में ही खोज बैठी हुई है किसकी जो हमें चाहिए उसी को अंतिम लक्ष्य कह लो उसी को सत्य कह लो उसी को शांति कह लो चाहो तो उसको आत्मा या परमात्मा कह लो बात समझ में आ रही है इसलिए उसको कहा जाता है जगत कर्ता। उसी के लिए ये पूरा जगत है और जगत क्या है एक सतत गतिशीलता जगत चल रहा है ना तो उसको कहते जगत कर्ता। जगत में जो भी कुछ हो रहा है हम कहते हैं वो कर रहा है कर वो नहीं रहा कर हम रहे हैं पर हम ही उसके लिए तो हमारे सारे काम भी उसके लिए तो इसलिए उसको कह देते हैं जगतकर्ता ऐसे कह दो कि जगत में जो कुछ चल रहा है उसका नाम है बेचैनी और ये सारी बेचैनी किसके लिए चैन पाने के लिए Therefore, तो तुम चैन को कह सकते हो कि वो बेचैनी करता है नहीं समझे बात समझो जगत में जो कुछ चल रहा है वो क्या है बेचैनी और ये सारी बेचैनी किस लिए है चैन पाने के लिए तो एक काव्यात्मक तरीके से ऐसा कह सकते हो ना कि जो चैन है वो बेचैनी करता है सारी बेचैनी को चैन ही चला रहा है क्योंकि सारी बेचैनी चल रही है चैन तक पहुंचने के लिए तो इस अर्थ में उसको कह देते हैं जगत कर्ता कि वो जगत का करतार है वो इसको चला रहा है क्योंकि ये चल ही रहा है उस तक पहुंचने के लिए बिना किसी अपवाद के तुम किस लिए चल रहे हो बताओ कौन है जो किसी और मंजिल तक पहुंचने के लिए चल रहा है जो आदमी जिधर को भी चल रहा है उस तक ही पहुंचने के लिए चल रहा है फर्क नहीं पड़ता दो लोग हैं एक दाएं जा रहा है एक बाएं जा रहा है हमें लगेगा विपरीत जा रहे विपरीत नहीं जा रहे दोनों का लक्ष्य एक ही है दोनों की बुद्धि बस अलग अलग है एक को लग रहा है दाएं जाके मिल जाएगा एक को लग रहा है बाएं जाके मिल जाएगा तो हमें लगता है देखो हर इंसान की दुनिया में अलग अलग चाहत है ऐसा है, वैसा है, नहीं कुछ नहीं मूल चाहत एक है क्या स्थिरता शांति अंत विश्राम चैन समझ में आ रही है बात जगत में कुछ भी ऐसा है जो स्थिर है हिल ही नहीं सकता इसीलिए कभी परमात्मा को इस जगत का आधार बोलते हैं और कभी इसकी धुरी भी बोलते हैं धुरी समझते हो एक्सेस कि वो स्थिर है और उसके इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है कभी उसको केंद्र बिंदु भी बोल देते हैं कुछ भी बोल देते हैं पर कुछ भी बोला जाए भाव यही है कि उसके होने सब कुछ घूम रहा है जैसे पंखा है की धुरी है, है ये घूमती कभी, लेकिन उसके होने के कारण ये पंखा घूमता रहता है और धुरी भी घूमना शुरू कर दे तो क्या होगा तुम घूमोगे जल्दी से भागोगे भागो ऐसे भागो, कमरा छोड़ो पंखा ही घूम रहा है धुरी स्थिर है तो पंखा कितनी मस्ती में घूमता रहता है, है पंखा इतनी गति करता है डर लगता है कभी क्यों क्यों धुरी स्थिर है ना इसी तरीके से जो लोग सच्चाई को समझते हैं उन्हें कभी डर नहीं लगता वो कहते हैं सब कुछ हिलडुल रहा होगा धुरी तो स्थिर है ना हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा जब तक ये धुरी स्थिर है ये जो ब्लेड्स हैं ब्लेड को तलवार ही बोला जाता है वैसे नहीं तलवार के लिए एक नाम होता है ब्लेड हम यहाँ कह देते हैं कि इसकी ये पंखुड़ियाँ हैं पंख हैं और वो ब्लेड्स हैं ब्लेड वो काट सकती हैं पर किसी को नहीं काटती क्यों नहीं काटती क्योंकि जब तक धुरी स्थिर तो ऐसे वो जगत करता है जगत करता है सब कुछ उसी के इर्द गिर्द है सब कुछ उसी के लिए है सब कुछ उसी तक पहुंचने के लिए है समझ में आ रही बात हुँ? हम पचास काम कर रहे हो हम कुछ कर रहे हो हम हम पानी का बिल जमा कराने जा रहे हैं हम नल की टोटी ठीक कराने जा रहे हैं हम नई शर्ट खरीदने जा रहे हैं हम टूटा चश्मा ठीक कराने जा रहे हैं हुँ? हम शादी करने जा रहे हैं हम किसी की शव यात्रा में जा रहे हैं वास्तव में हम जाए एक ही तरफ रहे हैं किस तरफ जिधर हमें लगता है कि हमें शांति मिलेगी उधर ही तो जाते हो ना तो वास्तव में सारी गति किसकी तरफ है ठीक है तो जगत करता है और उसको कहा दैदीप्यमान परमात्मा दैदीप्यमान क्या होता है ब्रिलियंट एफलजेंट प्रकाशित स्वप्रकाशित हुँ? जो आप अपना प्रकाश हो जिसको किसी बाहर की रोशनी की जरूरत नहीं है जो चांद जैसा नहीं है कि सूरज की रोशनी से चमकता हो हुँ? जो सो प्रकाशित है दीप्य बाकी सब क्या है इस पृथ्वी पर इस पूरे ब्रह्मांड में सबका प्रकाश किसी वजह से है और इसीलिए किसी का भी प्रकाश सतत नहीं है पृथ्वी पर जो धूप आती है वो कहीं और से आती है चांद को जो रोशनी मिल रही कहीं और से मिल रही है और तो और सूरज की रोशनी भी उसकी अपनी नहीं है अपनी होती तो छिन क्यों हो जाती हम सब जानते हैं कि सूरज ठंडा हो रहा है हम सब जानते हैं कि एक दिन सूरज बुझ जाएगा क्योंकि सूरज के पास भी ईंधन है और ईंधन सीमित है वो हीलियम जब पूरी भस्म हो जाएगी उसके बाद थोड़े ही तुम्हें सूरज से रोशनी मिलने वाली है वहाँ पे भी एक चल रहा है फ्यूजन रिएक्टर और रिएक्टर को क्या चाहिए होते हैं ईंधन फ्यूल वहाँ फ्यूल क्या है हीलियम वो जल रही है रोज जल रही है एक दिन पूरी जल जाएगी तो सूरज ही बुझ जाएगा समझ में आ रही बात यहां कुछ भी वास्तव में प्रकाशित नहीं है यहां पर सबका उधार का प्रकाश है या यहां पर सबका चुक जाने वाला प्रकाश है खत्म हो जाने वाला प्रकाश है वह अकेला है जिसका अपना प्रकाश है क्या प्रमाण है इस बात का ये प्रमाण है कि जो भी हमें यहां प्रकाश दिखता है प्रकाश माने अनुभव प्रकाश माने अनुभव आंखें प्रकाश में ही देख पाती है ना तो प्रकाश नहीं तो अनुभव नहीं यहां हमें जो भी कुछ अनुभव होते हैं उसी की खातिर होते हैं तो उसको फिर कह दिया जाता है कि वो लाइट है देखा है ना धर्म ग्रंथों में आध्यात्मिक तल पर अक्सर सत्य को प्रकाश बोल देते हैं रोशनी बोल देते हैं हुँ? कभी कह देते हैं लेट देयर बी लाइट कभी हमसे शास्त्र कहते हैं कि तमसोमा ज्योतिर्गमय ये क्यों ज्योति क्यों बोल देते हैं ये लाइट का कहाँ से उल्लेखा जाता? जाता है इसीलिए आ जाता है वो है जो हमारी इंद्रियों को ताकत देता है इंद्रियों के पास ताकत उधार की है जैसे चंद्रमा के पास रोशनी उधार की है वो है जो आंखों को देखने की ताकत देता है ताकि आंखें उस तक पहुंच पाए लेकिन ये आंखें पगली हैं उस तक पहुंचने की जगह इधर उधर भटकती रहती हैं। है। समझ में आ रही बात ये आंखें प्रकाश के स्रोत तक पहुंचने की जगह दर्पणों में जाकर के उलझ जाती हैं ऐसी सतहों में जाकर उलझ जाती हैं, जहां पर प्रकाश मात्र परावर्तित हो रहा है इसको लगता है कि यही तो है रोशनी यहीं से आ रही होगी क्या पता जैसे ही कोई चांद को पूछने लगे सूरज को भूल करके कि आ क्या चांद की रोशनी है और चांद के पास कुछ नहीं रोशनी के नाम पर तो स्रोत है वो सब अनुभवों का स्रोत है वो सब अनुभवों का अंत भी है वो वहीं से सब अनुभव आते हैं और उसी के लिए सब अनुभव आते हैं बीच का जो सारा खेल है वो बस एक उलझाव मात्र है अगर उस खेल को समझे नहीं समझ गए तो फिर ठीक है आनंद ले सकते उसका बहुत कम लोग समझ पाते हैं उलझ के ही रह जाते हैं उन्हें याद ही नहीं रहता कहां से आए ना उन्हें ये याद रहता है कि कहां को जा रहे हैं बीच में ही उनको लगता है कि बहुत सारे दिए मोमबत्तियाँ हैं चांद हैं तारे हैं आहा आहा कितना प्रकाश है समझ में आ रही है बात मन जगत है हृदय मन का आखिरी और शुद्धतम छोर है मन जो इधर उधर भाग रहा है वही मन जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है उसको हृदय बोलते हैं हुँ? मन जब तक बहका हुआ है उसको बोलते हैं मन और मन जब होश में आ गया समझदार हो गया थोड़ा जग गया तो उसको बोलते हैं हृदय मन जब तक बहका हुआ है उसे क्या नहीं मिलेगा चैन नहीं मिलेगा मन जब शांत हो गया माने हृदय बन गया तो उसको चैन मिल जाएगा इसीलिए परमात्मा को हृदय बोल देते हैं नहीं समझे मन जब तक बहका हुआ है उसे चैन मिलता नहीं है वही मन जब सुलझ गया और शांत हो गया तो उसको चैन मिल जाता है मन की सुलझी हुई अवस्था को ही कहते हैं हृदय मन और हृदय कोई अलग अलग चीजें नहीं है मन ही जब पूर्णतया सुलझ जाता है शांत हो जाता है तो उसको कहते हैं हृदय और मन शांत होगा ही कब जब मन को वो मिल गया जो उसे चाहिए था क्या चाहिए था चैन तो इसलिए हृदय का ही दूसरा नाम चैन है हृदय का ही दूसरा नाम सत्य है तो ऐसे कह देते हैं कि वो परमात्मा हम सबके हृदय में रहता है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ रहता है इसका मतलब ये है कि अगर मन सुलझ जाएगा तो परमात्मा मात्र बचेगा तुम नहीं बचोगे मन सुलझा माने अहम अब गया अहम गया तो परमात्मा मात्र बचा इन बातों को बहुत सूक्ष्म तरीके से पढ़ना होगा अदरवाइज तुम इसमें फिर कितना भी उलझ सकते हो कोई अंत नहीं है बार बार अपनी छाती ठोक के कह सकते हो कि परमात्मा यहां बैठा है यहां बैठा है यहां कहीं नहीं बैठा है हुँ? बार बार कह सकते हो कि सत्य तो प्रकाश है ना सत्य तो प्रकाश है ना और समझोगे ही नहीं कि यहां पे दिए या मोमबत्ती के प्रकाश की बात नहीं हो रही है यहां पर अनुभव की बात हो रही है जैसे कि प्रकाश में ही आंखें कुछ भी अनुभव कर पाती हैं तो अनुभव की बात हो रही है कि सब अनुभव परमात्मा के लिए ही है और परमात्मा से मेरा मतलब कोई ऊपर की चीज नहीं है परमात्मा माने आत्मा ही एक ही सत्य है पांच सात नहीं होते कि एक को एक नाम दो एक को एक नाम दो एक को एक नाम दो उस एक सत्य का ही नाम आत्मा होता है ठीक है और वो आत्मा चूंकि परम है अल्टीमेट है तो इसीलिए उस आत्मा को ही कह देते हैं परमात्मा कुछ आ रही बात समझ में जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका पूरा उपयोग करना है उसे जानने के लिए उसे जानने के लिए और इधर उधर की व्यर्थ बातों में उलझने के लिए नहीं तुमको ये संसाधन मिले हैं मन बुद्धि स्मृति तमाम तरह का सामर्थ्य बाहुबल हुँ? तुम्हारी सारी संपदाएं ये मनुष्य जन्म ये तुम्हें इसलिए नहीं मिला है कि पड़ोसी के घर में आज क्या रहा है ये जानते रहो तुम्हें क्या जानना है तुम्हें सच्चाई जाननी है कढ़ी पकौड़े में मिर्च कितनी डली है ये जान जानकर तुम्हें कुछ नहीं मिल जाएगा लेकिन हमारी रुचि यही सब जानने में रहती है हम क्या जानना चाहते हैं ये जानना है तो अखबारों को देख लो समझ जाओगे हम क्या जानना चाहते हैं देखते है हो ना क्या छपता रहता है जो हम जानना चाहते हैं वही छपता रहता है और जो चीज जानने योग्य है वो अखबारों में नदारद रहती है क्योंकि अखबारों में वो चीज नदारद रहती है इसीलिए हमारे जीवन से चैन नदारद रहता है आ रही बात समझ में वो अमृत तो पाते हैं अमृत तो कैसे पाते हैं अगर अपने सब संसाधनों का उपयोग तुम सही दिशा में करोगे सही जिज्ञासा में करोगे होश बढ़ाने के लिए करोगे तो कह रहे हो उपनिषद कि अमर हो जाओगे कैसे अमर कैसे हो जाओगे मरोगे नहीं अभी मरे तो नहीं ना मरने की बात कौन करता है जो जिंदा होता है जो सांस ले रहा है जी रहा है वो मरने की बात करता है ना तो मौत क्या है गौर से देखो तुम तो मरे नहीं तुम में से कोई भी या मैं भी कोई भी मरना क्या है ये नहीं जानता नहीं जानता ना मृत्यु के अनुभव से तुम तो में से कोई भी नहीं गुजरा ना तो हमारे लिए मृत्यु क्या अनुभव तो नहीं है फिर क्या है विचार है है ना मृत्यु हमारे लिए क्या एक कल्पना है एक विचार है भविष्य में बैठी हुई एक आशंका है मृत्यु हमारे लिए है ना तो अमर हो जाओगे माने तुम्हारे लिए जो ये चीज है मृत्यु ये हट जाएगी माने क्या हट जाएगा मृत्यु का विचार हट जाएगा मृत्यु की कल्पना हट जाएगी जीने के लिए सही प्रयोजन मिल जाएगा करने के लिए सही काम मिल जाएगा चुनौती में रहोगे या आनंद में रहोगे चुनौती में हो तो भी तुम्हें इधर उधर के विचार नहीं आते ना आते हैं कोई बढ़िया चुनौती तुम्हारे सामने और तुम उसका सामना कर रहे। तुम्हें इधर उधर के विचार आते हैं फालतू के नहीं आते ना गा गा आते तो मौत का विचार भी नहीं आएगा वैसे ही जब आनंद में रहते हो मगन बिल्कुल तो व्यर्थ के विचार आते हैं क्या नहीं गा गा आते ना वैसे ही मौत का विचार भी नहीं आएगा तो जो सही जीवन जीने लग जाते हैं वो अमर हो जाते हैं क्योंकि मौत हमारे लिए एक विचार से अलग है क्या बताओ तो अनुभव तो नहीं है ना मौत क्या है फिर से समझो मृत्यु हमारे लिए क्या है एक आशंका है एक भय एक विचार है एक अनहोनी है और वो तुम्हारे लिए तभी तक है जब तक तुम उसके बारे में सोच रहे हो और तुम सोचोगे उसके बारे में तभी जब उस तुम्हारे पास उसके बारे में सोचने की जगह होगी जो सही खोज में लग जाता है जिसका मन ध्यान बुद्धि जीवन ही पूरा सच को जानने में लग गया अब उसके पास स्थान कहाँ है और अवकाश कहाँ है कि वो मौत वगैरह का ख्याल करेगा कि अरे मैं सड़क पे मर रहा हूँ कुत्ते की मौत मर रहा हूँ मेरा शरीर चल रहा है मेरे साथ ऐसा हो रहा है मैं अस्पताल में भर्ती हूँ मेरे पास अपनी सर्जरी के पैसे नहीं हैं इंश्योरेंस वाले मान नहीं रहे हैं मेरा कोई दोस्त मुझे देखने नहीं आ रहा अगर आपको इस तरह के ख्याल आते रहते हैं तो सीधा अर्थ क्या है आप अस्तित्वगत रूप से भयंकर बेरोज़गारी से पीड़ित हो सकता है कि सांसारिक रूप से आपके पास रोज़गार हो नौकरी हो लेकिन अस्तित्व की दृष्टि में आप पूरे बेरोजगार हो जिसको बोलते हैं वेला कुछ और काम नहीं है क्या कर रहा है बैठ के ये सोच रहा है मैं सड़क पे पड़ा हुआ हूं और मर रहा हूं और मेरे ऊपर से ट्रक गुजर रहे हैं ये ये हरकत कर रहा है ये हरकत क्यों कर रहा है क्योंकि सारी ऊर्जा जिसकी बात हो रही है यहां पे मन ध्यान बुद्ध हृदय ये सब जिधर को जाने चाहिए थे उधर को भेजे नहीं तो अभी ये बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं एकदम और खाली बैठे हुए हैं और अभी व्यर्थ की इधर उधर की दौड़ धूप कर रहे हैं इस तरह की सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा अरे तुम काम करो ना और अगर काम तुम्हारा बढ़िया चल रहा है तो मौज करो ना हम्म या तो एक सैनिक की भांति जूझते नजर आओ कि अभी दिन का समय जूझ रहे हैं या अगर सांझ ढल गई है बढ़िया दिन भर लड़ाई लड़ी है तो अपने आप को फिर पुरस्कार दो पारिश्रमिक दो मौज मनाओ सैनिक को हक होता है रातों को नाचने का और अगर रात और गहरा गई है तो गधा घोड़ा सब बेच के सो जाओ तुम्हारे पास डरने का आशंकित होने का समय कहां से आ गया बताओ ना दिन भर क्या कर रहे थे जूझ रहे थे रण क्षेत्र में थे समय था कि हाय मर जाऊंगा कोई समय ही नहीं था डरे कौन <coughs> फिर सांझ को क्या कर रहे थे लड़ाई खत्म करके आ गए हम बहुत सारे जख्म हैं लेकिन साथ ही साथ छाती में यह गौरव है कि पूरे दिन दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई घाव खूब खाए खून बह रहा है दर्द भी हो रहा है सब हो रहा है तो अब क्या करेंगे अब ब्लैक टी पिएंगे और नाचेंगे तो तुम कुछ भी पी सकते हो तुम्हारी मर्जी है मैं अपनी ब्लैक टी पी अब नाचेंगे तो अब जब नाच रहे हैं तो डरने का समय किसके पास है कि है नहीं है अब दिन भर लड़ रहे थे उसके बाद घंटा दो घंटा नाच लिए तो अब क्या होगा अब आएगी नींद और जबरदस्त नींद आएगी ऐसा खर्राटा मार के सोओगे डरने का समय किसके पास है तुम अमर हो गए उपनिषद इस अमरता की बात कर रहे हैं हम अमर हो गए जिसने अपनी जिंदगी सही जगह पर लगा दी वो अमर हो गया जिसने अपने सारे संसाधन सही दिशा में प्रेषित कर दिए वो अमर हो गया तो इसका मतलब फिर मरा हुआ कौन है मरेगा कौन नहीं कह रहा हूँ मरा हुआ कौन है मरा हुआ कौन है जो गलत जिंदगी जी रहा है जो गलत ज़िंदगी जी रहा है वो मरा हुआ ही है और जो सही जिंदगी जी रहा है वो कभी नहीं मरने वाला इतना अंतर है हुँ? जो सही जी रहा है वो कभी नहीं मरने वाला नहीं और जो तो गलत जिंदगी जीरा है वो अभी ही मरा हुआ है हाँ फिर से मुझे याद आ गया मिस्टर नटोर लाल सुनाया था ना एक बार तो अमिताभ बच्चन ने गाया कि मुझे मारकर बेसरम खा गया एक शेर मिला था जंगल में तो शेर के साथ क्या हुआ था इसकी कहानी सुनाई जा रही थी गा करके तो बोलते खुदा की कसम बस मजा आ गया और मुझे मारकर बेसरम खा गया कौन सा बेसरम शेर तो बच्चों को ये कहानी सुनाई जा रही है तो बच्चे कहते हैं मार के खा गया पर तुम तो जिंदा हो हुँ? मैं खूब सुनता था छोटा था मुझे बड़ा मज़ा आता था पर तुम तो जिंदा हो तो गाने वाला क्या जवाब देता है ये जीना भी कोई जीना है लल्लू हम मरे हुए हैं मुझे मारकर बेसरम खा गया खा जाएगा नहीं मौत मुझे मारकर खा चुकी है खा गई मैं जी रहा ही नहीं हूं तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जी रहा हूं मैं जिंदा नहीं हूं ज्यादातर लोगों का यह हाल है वो लगते हैं कि जिंदा है वो मरे हुए हैं और जो सही जिंदगी जी रहा है वो जिस क्षण शरीर भी त्याग रहा होगा वो उस क्षण भी मरा नहीं जब वो शरीर त्याग भी चुका है वो तब भी मरा नहीं ठीक उसी तरह का ही इसमें जो आंखों से दिखता नहीं उसे कैसे जाना सक, जाना जा सकता है जो आंखों से दिखता है उसे तो मिथ्या जाना जा सकता है ना हम्म, बस यही जानना होता है कि आंखें धोखा देती हैं इतना जान लिया आपने कि आंखें धोखा देती हैं तो बहुत है फिर उसके बाद आप अपनी जानी हुई चीज़ को एक सुंदर अभिव्यक्ति देने के लिए कह सकते हैं कि सच्चाई आंखों से देखी नहीं जा सकती लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सच्चाई के बारे में कोई बात बता रहे हो वास्तव में आप आंखों के बारे में कोई बात बता रहे हो नहीं समझे जब हम कहते हैं सच्चाई वो है जो आंखों से देखी नहीं जा सकती तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम सच्चाई को देख के आए हैं और अब सच्चाई के बारे में ये बता रहे हैं कि आंखों से देखी नहीं जा सकती नहीं ये वक्तव्य सच्चाई के बारे में है ही नहीं वक्तव्य किसके बारे में है आंखों के बारे में और आंखों के बारे में क्या कहा जा रहा है इनसे जो कुछ दिखता है वो धोखा देता है भाई हमने जिंदगी को बहुत आजमाया यही पाया आंखें धोखा देती हैं इंद्रियां धोखा देती हैं मन धोखा देता है सब अनुभव धोखा देते हैं धोखा ही देते हैं कभी कम धोखा कभी ज्यादा धोखा कभी प्रकट धोखा कभी प्रत्यक्ष धोखा कभी धोखा पता चल जाता है उसी वक्त की धोखा हो गया कभी उम्र भर पता नहीं चलता कितना बड़ा धोखा हो गया पर धोखा ही धोखा है धोखे के बस तल अलग अलग है समझ में आ रही बात आप एक चीज खरीदने गए हो बाजार आप जो चीज खरीदने गए हो उसकी जगह कोई आपको दूसरी चीज बेच दे तो आप तुरंत जान जाते हो धोखा मिल गया धोखा हो गया धोखा हो गया ठीक है ना आप एक चीज़ खरीदने गए थे उसने आपको दूसरी चीज़ थमा दी तो आप कहते हो धोखा हो गया फिर आप दूसरी दुकान में जाते हो वो आपको बिल्कुल वही चीज़ दे देता है जो आपको चाहिए थी तो आप कहते हो धोखा नहीं हुआ ऐसा नहीं है ये एक दूसरी तरह का धोखा हुआ है धोखा यहां भी हुआ है कौन कह रहा है धोखा नहीं हुआ धोखा यहां ऐसे हुआ है कि आप चीज़ ही गलत खोज रहे थे क्योंकि हम गलत हैं इसीलिए हर चीज जो हम खोजते हैं वो गलत है आप गलत चीज खोज रहे थे और जो चीज़ आप खोज रहे थे वही किसी ने आपको दे दी तो आपको धोखा हुआ है या नहीं हुआ है कहिए हुआ है ना पर धोखा हम इसको मानेंगे ही नहीं हम धोखा सिर्फ तब मानते हैं कि जो चीज़ हम मांगने गए थे उसके हमें कुछ और दे दिया गया हो जैसे ही कोई आदमी बिल्कुल बावला वो मांगने निकला कह रहा है मुझे लाल जहर चाहिए लाल जहर चाहिए क्या चाहिए लाल जहर चाहिए और गया एक दुकान में उसने उसको पीला जहर दे दिया तो बोला धोखा हो गया भयानक धोखा हो गया और दूसरी जगह आ रहा है बोला लाल जहर चाहिए लाल जहर उसने लाल ही जहर दे दिया तो बोला देखो यहाँ धोखा नहीं हुआ ये बिल्कुल सही जगह है ऐसे तो हम गणना करते हैं ऐसा हमारा हिसाब चलता है कि कब धोखा हुआ कब धोखा नहीं हुआ इसीलिए मेरी बात समझ में नहीं आएगी तो लोग कहेंगे नहीं हमेशा थोड़ी धोखा होता है कई बार तो नहीं होता धोखा हम लाल जहर मांगते हैं लाल ही मिल जाता है देखिए धोखा नहीं हुआ बिल्कुल जो मांगा था वही मिल गया जब आपको वो नहीं मिलता जो आपने मांगा तब आपको छोटा धोखा हुआ है जब आपको वो मिल जाता है जो आपने मांगा तो आपको और बड़ा धोखा हुआ है ज्यादा दुख आपके किन चीजों से है जो मांगा मिली नहीं या जो मांगा और मिल गई है और उनको ढो रहे हो और अब छूटे नहीं छूट सकते भागे नहीं भाग सकते बोलो ज्यादा बड़ा धोखा कब हुआ कब हुआ हाँ देखा उपाय भी भी तो तो उपाय उपाय यही है कि जो मांगने चला है वो बाजार जाने से पहले अपने आप से पूछे क्या मांग रहा हूं कौन मांग रहा है मेरे भीतर का क्या ऐसी ही चीजें मैंने सौ दफे पहले नहीं मांगी हैं जब पहले उन चीजों से लाभ नहीं हुआ तो मैं क्यों मान रहा हूं कि अब होगा समझ रहे हैं मतलब आपने ये कहा है कि हम हमें जो अपनी चाहत का मिलता है वो बड़ा धोखा है और अपनी चाहत का नहीं मिलता वो छोटा धोखा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम चाहते क्या हैं हाउ डू वी कम टू नो ऐसे मत पूछिए चाहते क्या हैं ये देखिए है कि जो चाह रहे हैं उसको चाहने की प्रक्रिया क्या रही है वो चाहत कहाँ से आ गई और क्या वैसी चाहते पहले नहीं आई थी उससे क्या मिलेगा इधर उधर क्यों आपको भागना है आपके पास पहले बहुत मसाला मौजूद है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए ना आपके पास चाहत क्या वर्तमान में नहीं मौजूद है यह क्यों पूछ रही कि और क्या चाहे और आप, आपके पास अभी कितनी चाहते हैं दो दर्जन होंगी कम से कम इन दो दर्जन को आपने अनरियल जान लिया क्या या आप रियल इनको अनरियल जाने भी नहीं पूछ रही हैं? पहले आप यह कहिए ना कि जो दो दर्जन चाहत थी ये सब अनरियल सिद्ध हो गई तो अब चूंकि अनरियल सिद्ध हो गई तो अब मुझे बताओ कि रियल क्या है आप तो इन दो दर्जन को ही रियल मानती हैं तो अब और कौन बताए कि रियल क्या है यही रियल है आपने तो इसी को रियल मान लिया है नहीं समझे ऐसी सी बात है कि मैं बहुत सारे संतरे लेके घूम रहा हूं और उन संतरों को मैं क्या मानता हूं सेब संतरे क्या है मेरे सेब अब मैं कह रहा हूं मेरे पास दो दर्जन सेब हैं और फिर मैं ये भी पूछ रहा हूं सेब कहां मिलते हैं सेब कहां मिलते हैं क्यों तुम्हारे पास तो दो दर्जन सेब पहले से ही है पहले तो तुम ईमानदारी से मानो ना कि तुम्हारे पास सेब नहीं है कि तुम्हारे सेब नकली है उसके बाद हम शायद तुम्हें बता पाएंगे कि सेब कहां मिलते हैं या हो सकता है उसके बाद तुम्हें यह पूछने का मन ही ना बचे कि सेब कहां मिलते हैं असली तुम नकली सेब से मुक्त तो हो फिर हम देखेंगे कि असली सेब की कहानी क्या है कि असली सेब तुम्हें चाहिए भी कि नहीं चाहिए क्या पता ये नकली सेब से मुक्ति का नाम ही असली सेब हो क्या पता नकली सेब जिसने छोड़ दिए वो फिर असली सेब मांगता ही ना हो नकली छोड़ना नहीं है असली पहले पूछना है तो कैसे करें बताइए कैसे करें सब कुछ तो भरा हुआ है छोटे बच्चे आते हैं ना ऐसे ये साथ में गेंद पकड़ रखी है इस हाथ में पत्थर उठा लाए हैं लड्डू चाहिए जो हाथ में वो तो छोड़ दे बेटा नहीं लड्डू चाहिए कैसे दे लड्डू नहीं दे सकते अच्छा जी एक तरफ तो ये बात भी ये बात है कि सत्य की खोज में यदि लगे हैं जीवन भर तो मौत याद नहीं रहती ये मौत का विचार नहीं आता लेकिन ये भी ये भी तो कहा जाता है कि मौत को याद भी रखना होता है। मौत को याद रखना होता है ताकि सत्य की ओर निकले रहो अगर सत्य की तरफ ही देख रहे हो तो मौत को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है पर सत्य से जब भी तुम्हारी बेरुखी हो जाए तुम सत्य की ओर जब भी पीठ करके खड़े हो जाओ तो ये मत समझना कि तुम दुनिया को देख रहे हो जीवन को देख रहे हो मौज मज़े को देख रहे हो तुम फिर मौत को देख रहे हो इसलिए मौत को याद रखना होता है किससे कहा जा रहा है मौत को याद रखो उससे थोड़ी जो पहले ही सत्य की ओर जा रहा है उसके बाद जगह ही नहीं मौत है मौत को याद रखने की उसके बाद जगह कहाँ है मौत को याद रखने की कहानी है ना वो एक लड़की थी उसका दोस्त प्रेमी कुछ रहा होगा वो आया बहुत दिनों के बाद तो दौड़ी चली आ रही थी मिलने के लिए रास्ते में जाने मौलवी जी थे पंडित जी थे वो अपना कुछ पूजा अर्चना नमाज का आयोजन कर रहे थे और वो बावली उसने देखा ही नहीं उन्होंने जो कुछ भी बिछा रखा था अपना पूजा उजा करने के लिए उसी पे पाँव रख के आगे भग गई हम्म तो वो पीछे से चल जाते हैं बावली पागल अधर्मी हम्म तो दिख नहीं रहा है तो बस एक पल के लिए रुकी पीछे मुड़ी और बोली कि मेरा तो जो प्रेमी है वो फिर भी इसी दुनिया का है हड़मास का है और तब भी मुझे इतना है कि मुझे ये सब तुम्हारी पूजा अर्चना की कोई तैयारी दिखाई नहीं दी मेरा तो जो है वो इसी दुनिया का एक साधारण बंदा है इंसान है तो भी में इतना उतावलापन है इतनी हड़बड़ी है कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ रास्ते में तुमने क्या बिछा रखा है तुम्हारा तो जो प्रेमी है वो तो सर्वोच्च है परम है उसके बाद भी तुमको इतनी फिक्र है इतनी फुर्सत है कि तुम मुझे पीछे से आवाजें मार रहे हो और गालियां मार रहे हो अगर तुम में मुझसे आधी भी उत्कंठा होती अपने प्रेमी को मिलने की तो तुम अब तक वहां पहुंच गए होते समझ आ रही बात तो जो सच्चाई की ओर जा रहा है उसको तो वैसे ही फुर्सत नहीं होती है उसको क्या करना है मौत को याद रखे उसको तो याद मौत आनी ही नहीं है किसको बार बार कहा जाता है संतों ने सौ बार कहा मौत याद रखो मौत याद किसको कहा जाता है मौत याद रखो जो सच्चाई की ओर नहीं जा रहा है जिसने पीठ कर ली है ठीक है उसे याद रखना है और अगर ठीक से याद कर लिया उस क्षण में जब सच की ओर पीठ कर रहे हो जमाने की ओर मुंह कर रहे हो उस वक्त पे अगर मौत याद आ गई तो एकदम फट से फिरकी की तरह घूम जाओगे आचार्य जी प्रणाम आचार्य जी आप कहते हैं कि मुक्ति एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहां मुक्ति होती है मगर उपनिषद बहुत जगह कहते हैं कि वह जो जान लेता है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है इसको इसको ऐसे ही पढ़ लो वह जो जानता चलता है वह जो जानता चलता है या ऐसे पढ़ लो कि वह जो जान लेता है कि जानते चलना है उपनिषद इतना ही तो कहते हैं ना कि वो जो जान लेता है वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है ये थोड़ी बताते हैं क्या जान लेता है उपनिषदों ने ये कहा है क्या कि वो जो जान लेता है कि मुक्ति एक आखिरी बिंदु है ये तो नहीं कह रहे उपनिषद तो उपनिषद कह रहे वो जो जान लेता है क्या जान लेता है कि जानते चलना है जानते चलना है प्रणाम आचार्य जी आचार्य जी जब हम कहते हैं कि हृदय की सुनो दिमाग की नहीं या फिर हृदय से सोचो इसका क्या अर्थ है हृदय या दिल तो कुछ सोच नहीं सकता नहीं, सोचने का काम हृदय का है ही नहीं हृदय नहीं सोच सकता सोचेगा तो मन ही पर जो सोचने वाला मन है हृदय की ओर उन्मुख रहे हृदय की ओर उन्मुख रहे उन्मुख समझते हो मुख कर रखा है हृदय की ओर जैसे कि सुनने वाले के लिए कहते हैं कि उसे गुरुमुख होना चाहिए गुरुमुख का क्या मतलब होता है जिसने गुरु की ओर मुख कर रखा हो वैसे ही मन को क्या होना चाहिए हृदय की ओर उन्मुख होना चाहिए कि वो लगातार ऐसे देख रहा है हृदय को सोचने का काम उसी का है मन ही सोचेगा पर हृदय की ओर उन्मुख के सोचे